बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज लगता है आवाज भी भारत माता की आप ठीक से नहीं निकाल, ठंड ज्यादा है, बहुत ज्यादा है क्या? भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। कभी कभी म्यूजिक में वो जान होती है, वो तासीर होती है जो आप पूरी डिबेट में नहीं कह पाते, वो एक दो लाइन कह के आगे गुजर जाती है। और ये बात सच है कि हम विविधता में एकता का सूत्र खोजते हैं, और ये बात शायद बहुत सारे लोगों को देर से समझ में आती है या समझ में नहीं आती या कुछ उसमें उनको लगता होगा, लेकिन सच यही है कि बहुत सारे सूत्र जो है हमारे इसी से बंधे हुए हैं, और सब में एक ना एक कोई एकता का सूत्र है जो हम में सब में कॉमन है, और वो जो कॉमन थ्रेड है वही सबसे विशेष है हमारी पहचान। मैंने तो अक्सर शो में कहा है और कहता भी हूं, और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होता कहने में कि हमारी पहचान क्या होगी जब हम पीछे से पीछे से पीछे से पीछे चलते चले जाएंगे, तो हमारी इस देश की भारतीय संस्कृति की पहचान क्या होगी और हम क्या होंगे। हम सब मालूम है, हमें सबे मालूम, सबको पता है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जब इस बात को जब हम पीछे जाएंगे तो हमारी पहचान वही है जो भारतीय संस्कृति की, जिसमें कहीं किसी को कोई अंश मात्र का भी संदेह किसी को नहीं रहता। कहां से आए हैं आप? मैं कलकत्ता से आया हूं। कलकत्ता से आए हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है जी। सुनील जी किस विभाग में है? मैं अभी आयकर विभाग में। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आयकर विभाग में, गजब है भाई, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, आप दोनों लोग आए जी, बहुत बढ़िया। सुनील साहब अभी अभी ज्वाइन किया दिल्ली? जी सर, अभी 2022 में ज्वाइन। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सरकारी विभाग में हैं। बहुत ज्यादा आपसे बातचीत नहीं करेंगे ना बातचीत पूछेंगे, लेकिन आपको कुछ जनरल कहना हो, अपनी बात कहनी हो तो आप जरूर कहिए। मैं ये कहना चाहूंगा सर कि आज हम सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट से लड़ रहे हैं। आप अगर पिछले डेटा को देखें, जो यूथ है सर वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। आप जाके देखिए, उनको पता है कि आने वाले दिन में उनको कैसे रोजगार मिलेंगे या मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। एक पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा कल, इस बारे में भी कुछ सोचिए सर। अगर हम इसी चीज पर लड़ते रह जाएंगे कि कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर है, तो इस देश को आगे कौन बढ़ाएगा। हम सब आप लोगों से बहुत उम्मीदों के साथ आपको चुन के यहाँ पे भेजते हैं सर, ताकि आप हमारे लिए भी कुछ अच्छा सोचे सर, इस यूथ के लिए अच्छा सोचे सर। बहुत अच्छी बात है, अपनी युवा पीढ़ी, अपने भविष्य। मैं अक्सर कहता हूँ जब कभी कोई चीज मिल जाता है, कोई सूत्र मिल जाता है मुझे शो में, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैं निश्चिंत इसलिए होता हूँ, निश्चिंतता के साथ सो इसलिए सकता हूँ, या निश्चिंतता के साथ विदा हो सकता हूं कि मेरा भविष्य मेरे सामने ये सोचता है। अक्सर मैंने शो में ये बात कही है और बड़े बड़े बेखौफ होकर ये बात कही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस ठंड में भी आप आए हैं, और मैंने आपसे पूछा था कि इस वक्त हार्ट अटैक्स के बहुत ज्यादा केसेस ठंड में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हार्ट अटैक के ठंड में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपने एक दवा भी मुझे बता दी और उसको बना के भी ला के दिखा दिया। ये कौन सी दवा है सर? डॉक्टर साहब हार्ट अटैक के रोगियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है इन दिनों। हाँ। और विशेषकर जो लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं उनके अंदर, स्मोकर्स में ये हार्ट अटैक की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। हाँ, पानी ज्यादा पीना चाहिए। स्मोकिंग करने वालों की एक तो रक्त नलिकाएं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, और हृदय की मांसपेशियां वो कठोर हो जाती है। ये डॉक्टर दवा है? हाँ, उसके लिए ये होम्योपैथिक दवा है, स्ट्रोपेंथस मदर टिंचर क्यू। स्ट्रोपेंथस मदर टिंचर क्यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़े छोटे नुस्खे हैं जो खास तौर से हार्ट अटैक्स के। आप सोचेंगे ये शो भी बड़ा गजब का है, बात चल रही थी हिंदू मुसलमान पे, बात चल रही थी रोजगार बेरोजगार पे, और बीच में कहां चली गई मदर टिंचर पे। एक्चुअली में शो जो है ये मदर टिंचर का ही शो है। मदर टिंचर कौन सी आपकी? देखा कभी होम्योपैथी की दवाई खाई है आपने? नहीं खाई? मैं आयुर्वेदिक दवाई खाता हूँ। आयुर्वेदिक दवाई नहीं कभी मदर आप जो है वो दवाई खाइए उसकी भी, होम्योपैथी की। तो डॉक्टर साहब कहते हैं पहले जमा निकालिए बाहर, निकालिए बाहर। ऐसे नहीं निकाली जाती, वो ऐसे निकाली जाती और निकाली, उसके बाद मदर टिंचर डाल दी जाती। तो एक्चुअली मदर टिंचर डालने की जरूरत है आज। क्या कह रहे थे बोलिए जल्दी। देखिए प्रतीक जी, मैं पहले तो जो मेरे भाई है ना आयकर विभाग के अंदर, उनके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। इस समय देश के युवा का भविष्य सबसे ज्यादा सुरक्षित हाथों में है। आप ये देखिए, जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो इस देश का जो निर्यात था वो घट गया था, आयात नंबर 1 पे था, चीन से सबसे ज्यादा आयात होता था। आज भारत के अंदर
इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश के अंदर उद्योगों की। डॉक्टर साहब, जो आपने मदर टिंचर दी थी मैंने डाल दी, अब वो मदर टिंचर के बाद का रिएक्शन था। मैं आया आगे दस सके जी जी जी, इन्होंने पूरा का पूरा रोजगार को लेकर आयात निर्यात के जो आंकड़े दिए सीधे गलत है। नहीं, चीन से अब तक ऐतिहासिक स्तर पे, चीन पे अब तक सबसे ज्यादा छोड़ दीजिए, सबसे ऐतिहासिक स्तर पे आयात हो रहा है चीन से, और इसमें बेरोजगारी अपने चरम स्तर पे है, 50 वर्षों के बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो इकोनॉमी है वो पता नहीं कौन कौन से आंकड़े इस शो में आ जाते हैं कहाँ के। हाँ जी दादा, ऐसे कहो तुम ही ऐसे कहो, आज रोज रोज आना अच्छा नहीं है। हाँ जी, मैंने कहा था जी देश का भविष्य के लिए कुछ होना चाहिए, सरकार ऐसा कुछ करे, कदम उठाए जिसके कारण से रोजगार क्रिएट हो, रोजगार क्रिएट हो, ये होना चाहिए। जी रमरीश जी, भैया जी नफरत के बाजार में जैसा कि कहते फूल खिलाने आया हूँ, मैं कहता हूँ कि अमन के बाग में नफरत के फूल खिलाने आया हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मुझे याद है कि 2014 में एक ट्रेंड हुआ करता था कि टोपी पहनकर, जालीदार टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी हुआ करते थे। आप बताइए इफ्तार पार्टी में क्या मुसलमानों का भला हुआ, क्या उन मुसलमानों का भला हुआ, क्या मुसलमानों को शिक्षा मिला, रोजगार मिला? नहीं मिला। लेकिन 2014 में सबका साथ सबका विकास के बारे में सोचा जाता है। फिर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहली शुरुआत, आप जब कांग्रेस जब भ्रष्टाचार की जब बात करती है तो सबसे पहला भ्रष्टाचार 1955 में हुआ था। किसके रीजन में? वो जवाहरलाल नेहरू के रीजन में, जब जीप घोटाला हुआ था, 200 में से 155 जीप आए थे, 45 का घोटाला हुआ। मैं आया जनाब मौलाना। सबसे पहले मोहन भागवत जी के पूरे बयान को, मैं इशू से हटना नहीं चाहता, बिल्कुल पार्टी वाले लोग अपना करते रहे वो सब काम जी। एक बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया इस पूरे बयान में, एक दो बातें नहीं कही, 5-6-7 बहुत सारी बातें कही उसने। एक बात उन्होंने कही कि तुम भी अच्छा मैं भी अच्छा, तुम माने मैं सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर नहीं, तू भी अच्छा, कोई सुपीरियर नहीं है। मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दिन पर रहो, तुम अपने दिन पर रहो, और कोई किसी को बुरा भला मत कहो। ये अगर मैंने पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ फिर ये भी एक मसला हो जाएगा। एक सेकंड, अब जहाँ मैंने बात खत्म की थी, इस देश में आक्रांता विदेशी सबको मेरे सर पर थोपा जाता है। अकबर जो मुगल शासक का चर्चित चेहरा, जिसको महान भी कहा, इस देश की महानता देखिए कि ग्रेट कहा गया, मैंने नहीं कहा इसलिए मेरे ऊपर मत डालिएगा, जिन लोगों ने जिन इतिहासकारों ने कहा, उस अकबर का हल्दी घाटी में कमान अगर कोई संभालता है तो वो भारतीय मूल का, उसी के खिलाफ, उसी के अकबर को के खिलाफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की तरफ से कमान अगर कोई संभालता है तो वहीं फिर आ गया मैं, हाकिम खान सूरी। तो इसको अगर नहीं समझेंगे, आप हमको कह रहे सिरिश्ता का, भारत का मुसलमान तो कटोरा लेके 75 साल से मांग रहा साहब, 341 में जो पाबंदी लगी थी, सिरिश्ता वहां दिखा, हम तो पीछे हैं, बहुत पीछे लाइन में खड़े हैं, हमको सिरिश्ता कहा। चुटकी भर लोग जिनका मैच फिक्स है वो कहते हैं मैं सिरिश्ता हूँ, मेरे अब्बा राजा थे, कुछ न थे साहब किसी के।